जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय करती हूँ। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अर्थात सज्जनों का अपना कुछ नहीं होता, और जहाँ जाते हैं वहाँ सुगंध फैला देते हैं। इत्र वाला जहाँ भी जाता है अभी सुगंध फैलाता है। महापुरुष जहाँ भी जाते हैं अपने सद्गुरुओं से सभी को आकर्षित कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं, किसी महापुरुष की घटना हो जाए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ी घटना है। गुरु नानक जी एक बार लाहौर गए। लाहौर में एक सेठ थे दुनी चंद। अब आपके क्षेत्र में भी बहुत पैसे वाले धनाढ्य लोग होंगे, उद्योगपति होंगे, जिनके 10-20 मकान और 20-25 गाड़ियाँ और 150 नौकर होते होंगे, भौकाली टाइप के होते हैं। वो अलग ही उनका भौकाल होता है कि सब लोग उनके जो है पैसे के आगे नतमस्तक रहते हैं। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि सेठ दुनी चंद थे, तो उनके भी लाहौर में काफ़ी प्रॉपर्टी थी, और वहाँ तो ऐसा होता था कि लाहौर में जी उस समय की बात है जब गुरु नानक जी का समय था, कि ढेर सारे लोग झंडे लगाए रहते थे। झंडे प्रतीक होते थे समृद्धि के। तो अच्छा, महापुरुषों की ख्याति भी अलग ही रहती है, पैसे से कोई मतलब नहीं रहता, सभी जानते हैं। दुनी चंद जी ने गुरु नानक जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और पहुंच गए। अच्छा, संतों को मालूम तो होता है कि ये इसके मन में कौन सा कीड़ा है, वहम है या वहम है। तो अगर सही संत है तो वाकई आसाराम बापू टाइप का संत नहीं बता रहा हूँ, वास्तविक दिल से संत है। ढोंगी और पाखंडी आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो फिर दुनी चंद उनसे मिलने आए गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी को सब बताया कि साहब ये है मेरे पास, ये है, और मैं मानो इतने मैंने धर्मशालाएँ बनवाई हैं, ये बनवाई, ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। करना चाहते थे लेकिन किया कुछ नहीं था, और संपत्ति उनकी बढ़ती जा रही थी। गुरु नानक जी ताड़ गए कि इनको कोई पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसको संपत्ति का लोभ बहुत हो गया। गुरु नानक जी ने एक सुई निकाली और दुनी चंद को दे दी। करने लोग लो सुई रख लो और ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए, और मुझे ऐसा करना अगले जन्म में दे देना। अच्छा, वो पैसा तो ज़्यादा था दुनी चंद का कि समझ नहीं पाए, लेके चले गए आराम से। अब जब रात में सोने गए बिस्तर पर लेटे, तो बात तो समझने लगे कि वो सुई को संभाली रखी कि क्या कहता है, ये सुई रख लिया अगले जन्म में दे देना। जो बात वहाँ समझ में नहीं आई थी अब इनके दिमाग में घुस गई, अगले जन्म में अगले जन्म में दे देना। अच्छा, उन्होंने तो कही इसी लिए थी। अब इसका सर बनना गया। किसी तरह जागते जागते रात काट दी, सो पाए नहीं। सुबह उठे, गुरु नानक जी के पास गए, कहने लगे बाबा वो आपने सुई दी थी उनको। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो दी थी, रख लो उसको, सुई मुझे क्या कहा था। कहने लगे वो आपने कहा था अगले जन्म में दे देना।
तो गुरु नानक जी ने कहा दे देना, इसमें कौन सी खास बात है। तो उसने कहा दुनी चंद ने कि बाबा हम इस जन्म की चीज कहाँ कुछ ले जा पाएंगे, कहाँ मुझे याद रहेगा, तो यहीं का यहीं रह जाएगा। गुरु नानक जी मुस्कुराए धीरे धीरे, मतलब यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तुम दिन दूनी रात चौगुनी दौलत कमा तो रहे हो, और ये काहे के लिए कमा रहे हो? इतने लोग हैं चारों तरफ पीड़ा में ग्रस्त लोग हैं, और कमजोर हैं, लाचार हैं, दीन दुखी है चारों तरफ। जब तुम कुछ ले ना नहीं जा सकते तो ये किसके लिए इकट्ठा करें? वो बात उनको लग गई, और उसी दिन उसने जितने संपत्ति थी घूम घूम के बांटना चालू कर दिया। तो इसीलिए वसीम बरेलवी साहब का शेर मैंने कहा था, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। संत अमर इसीलिए है कि इनकी वाणी में अमृत रहा, ये संपत्ति जायदाद से परे रहे। दोस्तों मिलता हूँ आपसे, हमारे सत्संग परिवार के दोस्तों शक्ति भट्टागर जी, के शुक्ला जी, के श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, अलंकार रस्तोगी जी, अलंकार रस्तोगी जी, इंद्रपाल जी, इंद्रसेन जी, सुबोध अग्रवाल जी, दिनेश जी, सोनिका रस्तोगी जी, श्वेता साहू जी, शिवशंकर गुप्ता जी, रूबी जी को बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ पहुँचाया। और डॉक्टर भावना श्रीवास्तव को तो जो डेली जो है समीक्षा करती हैं और डेली फ़ोन करके जो है कमेंट्स देती हैं, इतना समय निकाला है, एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार सुनती हैं, विशेष रूप से आभार। दोस्तों हमारा चैनल जो है कोई ऐसा चैनल नहीं है, बस आप लोगों की, गरीबों की और विकलांगों की, दिव्यांगों की आवाज़ के रूप में है। समाज के जो गली कूचे में लोग हैं, जो कभी किसी मीडिया में नहीं आ पाते हैं और मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, सिर्फ उनके लिए है। पैसे वाले और धनाढ्य लोगों के लिए बहुत चैनल हैं, लेकिन ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए आवाज़ का काम करेगा। धन्यवाद साथियों।